गुड मॉर्निंग क्लास दिस इज आर न्यू एना फिजियो क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कार्डियो सिस्टम टूडे वी विल स्टडी अबाउट द हार्ट फिजियोलॉजी इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द एनाटमी ऑफ हार्ट नाउ टूडे वी विल डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट आप जानते हैं भाई हार्ट का मेन काम क्या होता है पंप करना बॉडीज़ के सिक्स क्वार्ट सप्लाई जो है ब्लड की वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है थाउजेंड टाइम्स ओवर थाउजेंड टाइम्स पर डे एक दिन में हज़ारों बार जो हमारा हार्ट है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को टिश्यूज़ को ब्लड की सप्लाई करता है रियलिटी में देखा जाए तो हार्ट जो है लगभग छः हजार क्वार्स ब्लड जो है वो एक डे के अंदर पंप करता है कार्डिक मसल्स की जो सेल्स हैं वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इंडिपेंडेंटली और सभी नर्व जो इसके साथ कनेक्टेड हैं वो भी इसमें सर्व कर रही होती हैं इसको रोल प्ले करते हैं कि हार्ट अपना पंपिंग फंक्शन कर सके इन कॉन्ट्रैक्शंस ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रेगुलर और कंटिन्यूस वे में हो रहे होते हैं एक रिदम में चलते हैं जिसको अपन कार्डियल रिदम कहते हैं हालांकि कार्डियल मसल्स इंडिपेंडेंटली बीट करती है मसल सेल्स जो हैं हार्ट के और डिफरेंट एरियाज में अलग अलग रिदम में वर्क कर रही है हालांकि हमने कहा कि वो इंडिपेंडेंटली बीट कर रही है पर फिर भी जितनी भी सेल्स हैं वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग रिदम रख रही होती हैं एट्रियल सेल्स 60 बीपीएम की स्पीड से जबकि वेंटिकुलर सेल्स बीस से चालीस ब्लड प्रेशर पर मिनट के हिसाब से वो जो है वो अपना बीटिंग कर रही होती है बीट पर मिनट जो है कितनी चल रही है एट्रियल सेल की 60 बीट पर मिनट और वेंटिकल सेल की 20 से 40 बीट पर मिनट चल रही होती है हार्ट की फिजियोलॉजी में हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए दो सिस्टम्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इंट्रेंसिक कंडक्शन सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ए जो है वो ब्रेक्स एंड एक्सीलरेटर का काम कर रहा होता है ब्रेक और एक्सीटर का काम कर रहा है आपके हार्ट की मशीनरी में ये हार्ट रेट को कम या ज़्यादा करता है कम है तो ब्रेक वाला फंक्शन और बढ़ाने का काम करता है एक्सीटर का फंक्शन करता है दूसरा इंट्रेंसिक कंडक्शन सिस्टम जिसको अपन नोडल सिस्टम भी कहते हैं इसके तीन अलग अलग फंक्शन हैं ये एक तो स्पेशलाइज टिश्यू से बना होता है जो कि मसल नर्वस टिश्यू के आपस में गुंथने से बन रहा है या मसल नर्वस टिश्यू मिल करके इसका स्पेशलाइज टिश्यू बना रहे हैं जिससे कि हार्ट मसल्स डिपोलराइज होती हैं एट्रिया से वेंट्रिकल तक और कॉन्ट्रैक्शन रेट को ये एनफोर्स करता है सेवेंटी फाइव बीट पर मिनट के हिसाब से आप जानते हैं ना हार्ट बीट सेवेंटी फाइव होती है तो उस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है अब यहाँ पर पहले कंडक्शन सिस्टम में ये इंटर एट्रियल सेप्टम दिखाए गए ऐसे नोड ए वी नोड ए वी बंडल्स दिखाए गए हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच और इंट्रा सेप्टम और ये नीचे पुरकेंजे फाइबर एंट्रेंसिक कंडक्शन सिस्टम के अंदर ऐसे नोड ए वी नोड ए वी बंडल पार्किंजे और सेप्टम आते हैं ऐसे नोड जिसको अपन साइनो एट्रियल नोड कहते हैं ये क्रिसेंट शेप के होते हैं राइट right एट्रियम के नोड हैं राइट एट्रियम में क्रिसेंट शेप के नोड होते हैं जिसको अपन ऐसे नोड कहते हैं ए वी नोड एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे पाए जाते हैं ए वी बंडल एट्रियो वेंटिकलर बंडल जिसको अपन बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं ब्रांच बंडल्स इंटर वेंटिकुलर सेप्टम में पाए जाते हैं और परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो वेंटिकल वॉल्स की मसल्स में फैले हुए रहते हैं तो यही डायग्राम वापस से बताया गया जो हमने बोला था ऐसे नोड जो है उसकी पूरे सिस्टम में डिपोलराइज होने की सबसे ज्यादा हाई रेट होती है ये ऐसे डायग्राम आपको दिखाया गया है दिखाई दे रहा है ना आपको ये बहुत तेजी से डिपोलराइज होता है ये हर हार्ट बीट को शुरू करता है एंड सेट्स द पेस फॉर द होल हार्ट पूरे हार्ट के लिए पेस बनाता है हार्ट बीट को यही शुरू करता है सभी हार्ट बीट्स को यही शुरू करा और हार्ट के लिए पूरे हार्ट के लिए बेस बनाता है इसलिए अपन इसको पेस मेकर भी कहते हैं ऐसे नोड को अपन क्या कहते हैं पेस मेकर पेस बना रहा है ना पूरे हार्ट के लिए इसलिए पेस मेकर कहलाता है ये हार्ट की फिजियोलॉजी दिखाई गई है सबसे पहले वाला डायग्राम है साइनस नोड के अंदर इम्पल्स आ रही है ऊपर से एरो चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको फर्स्ट देखिए एरो आ रहा व्हाइट कलर से सेकेंड में इम्पल्स पास हो रही है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के द्वारा थर्ड में वेंट्रिकुलर इम्पल्स आई और फोर्थ में वापस रिकवरी हो जाती है तो ये पूरे एरो बताए गए हैं कैसे आ रही है जा रही हैं चीजें

बाद में ये तेजी से पास होती है एवी बंडल से होती हुई बंडल ब्रांचेस और फिर परकिंजे फाइबर्स में और वहाँ पे रिंगिंग कॉन्ट्रैक्शन करती है वेंट्रिकल्स का जो कि अपेक्स से शुरू होता है और एट्रिया तक मूव करता है रिंगिंग कॉन्ट्रैक्शन अपेक्स से शुरू होकर के एटरिया तक मूव करेगा ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इफेक्टिवली ब्लड को ऊपर से इजेक्ट करता है लार्ज आर्टरीज में हार्ट से निकल करके लार्ज आर्टरीज में ब्लड चला जाएगा क्योंकि इस तरह से इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था एपेक्स से गया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर करेगा तो ब्लड ऊपर से निकल जाएगा अब दो हार्ट की फिजियोलॉजिकल में एबनॉर्मलिटी देखने मिलती है टैकी कार्डिया और ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाना कितनी सौ बीट्स पर मिनट की नॉर्मल होती है सत्तर सौ बीट पर मिनट हो जाए उससे भी ज़्यादा हो जाए तो टैकी कार्डिया और साठ से कम हो जाए तो ब्रेडिकाडिया नीधर कंडीशन इज पैथोलॉजिकल हालांकि ठीक है हमें इसको ज़्यादा पैथोलॉजिकल तो नहीं मानते नॉर्मली भी कई बार ऐसा हो जाता है पर अगर ये लंबे समय तक टैकी कार्डिया वगैरह हो रहा है तो ये आगे प्रोग्रेस करता हुआ फाइब्रीलेशन कर सकता है जो कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो एट्रियल फ्लटर दिखाए गए देखो यहाँ पर ब्रेडी कार्डिया में एट्रियल फ्लटर देखो और ब्रेडिकार्डिया देखो इस तरह से वेंट्रिकल्स में देखो चेंजेस स्पेस मेकर में चेंजेस देखो इनप्रोप्रिएट हो रहा है क्योंकि वेंटिकुलर टैकी कार्डिया इंड्यूस्ड हो रहा है ये इनअप्रोप्रिएट है और एट्रियो वेंटिकुलर सिंक्रोन हो रहा है जो कि एक अप्रोप्रिएट कंडीशन है फाइब्रिलेशन क्या है ये एक रैपिड अनकोअर्डिनेट शडरिंग है हार्ट मसल की कि हार्ट मसल तेजी से अनकोअर्डिनेट हो गई है उसमें रिदम सही चल नहीं रही है वर्क अपना कर नहीं पा रही है शडरिंग हो गया इसको अपन फाइब्रिलेशन कह रहे हैं कब हो जाता है जब टैकी का्डिया वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है हमने बताया ना कि प्रोलॉन्ग टैकी काडिया हो जाए तो प्रोग्रेस होता है फाइब्रिलेशन कर सकता है फाइब्रिलेशन से हार्ट जो होता है वो पूरी तरह से यूजलेस हो जाता है क्योंकि उसका पंपिंग फंक्शन सही नहीं चल पाता और ये लोगों में बहुत बड़ा मौत का कारण बनता है हार्ट अटैक की वजह से जो एडल्स में हार्ट अटैक की वजह से जो मौत होती है उसमें फाइब्रिलेशन का मेन रोल होता है डायग्राम में ये आपको नॉर्मल हार्ट दिखाया गया है इलेक्ट्रिकल एम्पल्स के अंदर ट्रैवल किस तरह से हो रही हो दिखाई गई हैं एस ए नोड ए वी नोड राइट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल लेफ्ट ए टी एम और राइट ए टी एम के साथ में बताई गई हैं जबकि यही देखो जब ये बिगड़ गई एट्रियल फाइब्रलेशन हो गया तो देखो वहाँ पर कितने अच्छे से एम्पल्स जा रही थी एकदम कंटिन्यू यहाँ डिसकंटिन्यू तरीके से चल रही हैं क्योंकि टेकिक आधिया हो रहा है है ना तो ये देखो एरो के थ्रू कितना अच्छा बताया गया येलो एरो से बताई गई इस कंडीशन को अब पेस मेकर एक छोटा डिवाइस होता है लगभग हाफ डॉलर पीस के साइज का ये दिखाई देता है जिसको स्किन के नीचे रखा जाता है हार्ट के पास में तो वो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के काम में आ रहा होता है पेस मेकर को पेस मेकर को अपन इम्प्लांट कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ वट्स ऑफन रेफर टू एस कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी पेस मेकर को इम्प्लांट करना क्या कहलाता है कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी कहलाता है तब जब किसी का पेस मेकर सही वर्क नहीं कर रहा है ये नोट्स वर्क नहीं कर रहे हार्ट पंपिंग सही हो नहीं रहा है टैकीकार फाइबलेशन जैसी कंडीशन अराइज हो रही हो तो अपन पेस मेकर लगाते हैं डायग्रामेटिकली बताया गया भाई इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किया गया है वेन में हार्ट को लीड करता हुआ ये डबल लीड पेस मेकर है इलेक्ट्रोड्स ये हार्ट में पंपिंग वाला वो मै वो इलेक्ट्रोड जो है वो हार्ट मसल को स्टिमुलेट करने का काम कर रहे होते हैं वो डबल लीड पेस मेकर था लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड के अंदर सिंगल लीड पेस मेकर दिखाया गया है वो लोग जिनको पेस मेकर की आवश्यकता पड़ती है बहुत सारे रीजन से वो मोस्टली ड्यू टू वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंडीशन कॉल्ड एरिदमिया किन लोगों को पेस मेकर की जरूरत होती है जिनके अंदर एरिदमिक कंडीशन अराइज हो जाती है हार्ट के रिदम बिगड़ जाती है जिसमें हार्ट के रिदम एबनॉर्मल हो जाती है तो उनमें अपन टेम्प्ररली भी वो हो सकता है कि इम्प्लान्ट करवा लें ताकि एक बार हार्ट बीट को स्लो किया जा सके टू ट्रीट सॉरी स्लो हार्ट बीट को ट्रीट किया जा सके हार्ट अटैक के बाद में या किसी सर्जरी या कोई दवाइयों की ओवरडोज की वजह से ऐसा हो गया हो कि हार्ट बीट स्लो हो गई हो तब भी ये पेस मेकर लगाया जाता है पेस मेकर जो है परमानेंटली भी इम्प्लान्ट कर सकते हो बैटम्प्रली भी, भी कर सकते हो परमानेंटली भी ब्रेडी कार्डिया जिनमें रहता है या हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट जिन्होंने लिया है हार्ट फेल आउट ट्रीट कराना चाह रहे हैं उनके अंदर आप परमानेंटली भी लगा सकते हैं या फिर टेम्परली भी लगाया जा सकता है फिजियोलॉजी के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ते हैं कार्डिक साइकिल और हार्ट साउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस आपके इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है इसको ध्यान से पढ़िए देखिए एट्रियल स्टॉल बताया गया इस्टॉल की कंडीशन आई यहाँ आइसो वॉल्यूमिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आइसो वॉल्यूमिक वॉल्यूम एकदम सही से है और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिससे कि वेंटिकलर सिस्टॉल आया फिर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल एट्रियल सिस्टॉल देन वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल ये कार्डियक साइकिल है हेल्दी हार्ट में एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली हो रहा होता है और जब ये रिलैक्स होना स्टार्ट होता है तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा एक साथ और फिर जैसे ही एट्रिया रिलैक्स होएगा तो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा ये सिस्टॉल और डायस्टॉल कहलाता है इसका मतलब है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिस्टॉल मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डायस्टॉल का मतलब है हार्ट रिलैक्स हो रहा है डायग्राम में लेफ्ट साइड में डायस्टॉल और उसके बाद राइट साइड में सिस्टॉल आ गया है सिस्टॉल में कॉन्ट्रैक्शन डायस्टॉल में रिलैक्सेशन तो देखो वह हार्ट नीला और लाल रंग देखो एकदम पतला सा है सिस्टॉल के अंदर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि वर्क भाई हार्ट का क्या है पंपिंग का काम है जो कि वेंट्रिकल के द्वारा किया जाता है इसलिए जो टर्म्स हैं ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो वेंट्रिकल के संदर्भ में अपन बात करते हैं ना कि पूरे एट्रियम वेंट्रिकल दोनों के लिए ही पंपिंग कर रहा तो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन सिस्टॉल और डायस्टॉल कहलाता है डायग्राम देख लीजिए आप अच्छे से टम कार्डिक साइकिल का मतलब है एक कंप्लीट हार्ट बीट का इवेंट जिसमें दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर के रिलैक्स हो जाते हैं पूरी एक कंप्लीट हार्ट बीट जिसमें दोनों एट्रिया और वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर के बाद में रिलैक्स हो जाएंगे यह डाइस्टॉल देखिए दिखाया गया है कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये सिस्टॉल डायस्टॉल में तो ये रिलैक्स हुआ था इसलिए ऐसा है और सिस्टॉल में जैसे ही कॉन्टैक्ट हुआ था वापस ये एरोज जो है वो इसका मूवमेंट दिखाया गया है एवरेज हार्ट बीट सेवेंटी फाइव टाइम्स पर मिनट होती है सबको पता है कार्डिक साइकिल की लेंथ जीरो पॉइंट एट सेकेंड होती है कार्डिक साइकिल तीन मेजर स्टेप्स में चलती है मिड टू लेट डायस्टोल सबसे पहला दूसरा वेंटिकुलर सिस्टॉल तीसरा अर्ली डाइस्टॉल डायग्राम देख लीजिए भाई एट्रोवेंटिकुलर वॉल्व ए और पलमरी वॉल्व के साथ में सेमिलिनर वॉल्व जिसको अपन कहते हैं फेज़ वन के अंदर ये ओपन हुए हैं ए वी वॉल्व ओपन हुआ है जबकि सैमिलिनर वॉल्व जो है वो क्लोज हुआ है मिड टू लेट डायस्टोल चल रहा है यहाँ पर वेंटिकुलर फिलिंग हुई है और एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दूसरी कंडीशन में आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सिस्टॉल की कंडीशन चल रही है वेंटिकुलर इजेक्शन हो रहा है आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हुआ अर्ली डायस्टोल और वेंटिकल फिल्टर फिलर यहाँ पर कंडीशन चली ये डायग्राम जो आपको बताया गया है ऐसा का ऐसा डायग्राम ही आपको एग्जाम के अंदर बनाना है ये साइकिल को इंडिकेट करता हुआ डायग्राम है इसमें हार्ट जो है वो कंप्लीट रिलैक्सेशन मिड टू लेट डायस्ट्रॉल में हार्ट जो है वो अब अपन ये तीनों स्टेप्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं कि हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो गया उसको मिड टू लेट डायस्ट्रॉल कहते हैं हार्ट में जो प्रेशर है वो भी कम हो चुका है ब्लड फ्लो हो रहा है पैसिवली एट्रिया में और एट्रिया के द्वारा और वेंट्रिकल में पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन से आता हुआ कहा गया वेंट्रिकल में जा रहा है और हार्ट जो है यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स है सेमिलर वॉल्व इसमें क्लोज हो चुके हैं एवी वाल्व वॉल्व ओपन हो चुके हैं फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड जो है वो फोर्स होकर के वेंट्रिकल में चला जाएगा ये वही डायग्राम कार्डिक साइकिल का जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे इसमें मिड टू तो लेट डाइस्ट्रॉल को अपन ने अभी अभी डिस्कस किया दूसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसमें प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स पे बढ़ता है तेजी के साथ में जिससे कि एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं जब इंट्रा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा लार्ज आर्टरीज के प्रेशर से तो वो हार्ट से निकलेगा ब्लड सेमिन वॉल्व जो है वो फोर्सफुली ओपन हो जाएगा और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से रश आउट हो जाएगा बाहर निकल जाएगा एट्रिया इसमें रिलैक्स होंगे और अगेन ब्लड जो है फिर उसमें भर जाएगा अब ये दूसरा वापस इस डायग्राम को आप देखिए जिसमें आपको वेंट्रिकुलर के साथ में देखना है थर्ड है अर्ली डाइस्टॉल सिस्टॉल के एंड के समय वेंटिकल रिलैक्स सेमिलर वॉल्व जो है स्नैप शट हो जाएगा उनका बंद हो जाएंगे वेंटिकुलर फॉर ए मोमेंट द वेंटिकल्स आर कंप्लीटली क्लोज चैम्बर्स कुछ समय के लिए वेंटिकल्स जो है पूरी तरह से क्लोज चैम्बर में सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए वेंटिकल्स कम्प्लीस्ट क्लोज चैम्बर में कन्वर्ट हो जाते हैं इस अर्ली डस्ट्रॉल के दौरान इंट्रा वेंटिकुलर प्रेशर कम हो जाता है और जैसे ही ये कम होगा वेन इट ड्रॉप्स बिलो द प्रेशर इन द एट्रिया एट्रिया के प्रेशर से भी जब ये कम हो जाएगा तो ए वी वॉल्व फोर्सफुली खुल जाएंगे और वेंट्रिकल जो है दोबारा रिफिल होना शुरू हो जाएंगे तेजी से उसमें ब्लड भर जाएगा वेंट्रिकल्स में ब्लड भर जाएगा फिर वापस कार्डिक साइकिल तीनों स्टेप्स के साथ में बताई गई हैं पढ़िए तो चीज़ समझ में आ जाएगी आपको अब हार्ट साउंड जब आप स्टैटस्कोप को हाथ पे लगाते हैं तो आपको बीट सुनाई देती है दो अलग अलग साउंड्स के लप और डप की ये क्यों हो रहे हैं क्योंकि वॉल्व के दो सेट बंद होते हैं तो ये साउंड क्लोज होता है जब एवी वी वॉल्व बंद होता है तो लप और जब सेमी ल्यूनार वॉल्व बंद होता है डप का साउंड आपको सुनाई देता है फर्स्ट हार्ट साउंड लब होता है जब एट्रियो वेंटिकुलर वॉल्व क्लोज होता है उस समय ये लब का साउंड सुनाई देता है और सेकंड हार्ट साउंड जिसको आप डब कहते हैं ये तब जब सेमिलर वॉल्व क्लोज होता है ये वॉल्व दोनों आईग्राम में आपको दिखाए गए हैं तो बस इसके साथ आपकी हार्ट की फिजियोलॉजी यहाँ पे खत्म होती है कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जिस इस फिजियोलॉजी के अंदर अपन ने काद साइकिल पढ़ा और हार्ट साउंड पढ़ा और हार्ट के फंक्शंस पढ़े